भाई हमारे कल कुछ मित्र, हमारे कल कुछ मित्र आए हैं रात को 2:30 बजे। आइए मैं उनको आपको सबको उनसे मिलाता हूँ। ये हमारे केशव भाई हैं, चलते हैं वहाँ पे। भाई ये हमारे निशांत भाई हैं, हेलो। ये हमारे आप मिलोगे वैष्णो देवी वालों में, प्रिंस भाई हैं, जय गंगा मैया। और ये तो भाई साहब अलग ही आदमी है, अल्केश जैन। एक मैं आपको मिला तो अपने ड्राइवर आदमी से बढ़िया सुपरमैन चलाते भाई। ये हमारे ध्रुव भाई हैं, पहाड़ों में भी 80-90 की स्पीड ऐसी भगाते हैं, बस कहो मत। हेलो। कल रात को भाई पेट्रोल पंप स्किप कर गए थे। रात को 3 किलोमीटर का पेट्रोल बचा था जब इन्होंने फ्लैग में पेट्रोल खड़ा है, और रात को 12:30 बजे पे हमारी एस्तेसी करी इन्होंने पोल कर कर। तो आपको आगे कराते हैं आज गंगोत्री मैया के दर्शन, चलिए। तो ये है माँ गंगा की डोली। जब शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब माता की मूर्ति को यहाँ से मुखवा गाँव ले जाया जाता है, वहीं उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जब कपाट खुलने होते हैं तब इसी तरह माँ गंगा की डोली को मुखवा गांव से यहाँ गंगोत्री में लाया जाता है। पूरे वर्ष यहाँ के सेमवाल लोग ही माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों हम खड़े हैं माँ गंगा के किनारे जहाँ माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। आज अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड के CM श्री पुष्कर धामी जी यहाँ आकर मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु तथा न्यूज रिपोर्टर आए हुए हैं। तो यह है भगीरथ तपस्थली। यहीं पर महाराज भगीरथ ने महादेव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर माँ गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों यहाँ अभी मंदिर के कपाट खुलने से पहले होने वाली पूजा अर्चना की जा रही है। आप सब लोग देख सकते हैं कि कैसे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और सब उत्सुक हैं माँ गंगा के दर्शन हेतु। दोस्तों माँ गंगा के स्वागत के लिए तथा श्रद्धालुओं जिन्होंने माँ गंगा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा उनके लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। सारा वातावरण पूरी तरीके से देवमय हो उठा है। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। उत्तराखंड के CM श्री पुष्कर धामी जी भी इस अवसर पर मंदिर में पधारे और उन्होंने मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया को पूरा किया। दोस्तों फिर हम सभी लोगों ने माँ गंगा के पावन किनारे पर बैठकर उनकी पूजा अर्चना करी और उनसे मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना करी। माँ गंगा के किनारे बैठकर करी हुई पूजा में जो आनंद और सुकून की प्राप्ति हुई उसे शब्दों में बयान कर पाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल है।